सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम जाने वाले हो फाइनली उत्तराखंड। जाली माली देवी की पूजा है तो हम जाए, जैसे मैंने आपको नेक्स्ट वाले ब्लॉग में बता दिया था। और ये रही अभी हमारी पैकिंग, यहाँ पर दादी की फोटो भी है और ये रहा मेरा बैग, इसमें हमने खाने पीने का सामान रखे और इसमें है हमारे चारों के कपड़े। और यहाँ पर है पापा ने घर बनाए थे, ये तो आपने देख लिया था, ये वाला आपने नहीं देखा हो क्योंकि पापा ने अभी बनाया। ये पापा ने पहले से बना रखा था पर पापा ने इसको चिपका दिया, जैसे गांव के रास्ते होते हैं वैसे बना रखा है। देखो कितना अच्छा लग रहा है, सारे गांव रख रखे हैं। और गाइस अभी मैंने कपड़े चेंज नहीं करे हैं, तो अभी मम्मी पापा भी परी भी कपड़े चेंज कर रहे होंगे, तो मैं यहाँ पर ब्लॉग बना रहा हूँ। और ये मेरे कपड़े, तो मैं मैजिक करके कपड़े पहनता हूँ और फिर मैं आपको मिलूंगा छोटे से ब्रेक के बाद। सो अभी मैं रेडी हो चुका हूँ और अब हम मम्मी पापा भी रेडी होंगे, तो अब मैं चलता हूँ। सो फाइनली गाइस, अब हम जा रहे हैं उत्तराखंड, हम रेडी हो चुके हैं और यहाँ पर मैंने टी शर्ट आपको जैसे दिखा ली थी, और ये रहे पापा, ये रही परी। और आज भी हम 5 तारीख को जा रहे हैं, पिछली बार भी हम 4 को जाने वाले थे पर हमारे साथ जो पोपट हो गया था मैंने बोला था, और फिर बाद में हम 5 तारीख को गए थे। तो सेम डेट जा रहे हैं हम आज भी और सेम मंथ जा रहे हैं, तो देखो भगवान का करिश्मा, हम सेम डेट और सेम मंथ में जा रहे हैं। और रेडी मरी, और यहाँ पर हमारे जो दो बैठे वो मैंने देखा लिए थे आपको। रेडी मम्मी, मम्मी भी परी को सैंडल बना रही है, मैंने भी जूते पहन लिए। और अभी नन्नू भाई भी आएंगे, मेरे ताई के बेटे है वो, तो नवीन है उनका नाम, तो हम नन्नू भाई कहते हैं उनको। तो गाइस हम आपको मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। साढ़े 9 बजे हम बस अड्डे से निकल गए थे और हम ये वाली बस पकड़ी है। सुबह के 4 बज चुके और हमने सभी सुबह के 8 बज चुके हैं और हम सतपुली पहुंच चुके हैं। और यहाँ सतपुली का व्यू और वो पहाड़ का कितना ब्यूटीफुल है। और अभी हमें यहाँ पर ढाबे में चाय ली है और परी की खाई है, और अभी हम खुली की बस पकड़ेंगे, अभी जा रहे खेल लेने के लिए। तो गाइस अब हमको मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। अब हम पहुंच चुके हैं कुंडली और ये रहा हमारा रास्ता, तो अभी हम यहाँ से चलते हैं। तो अरे यार आप भी आओ। सो गाइस अब हम कुंडली पहुंच चुके हैं और भैया भी हमारे साथ आए थे बस में, और ये रहा हमारा घर, तो देख सकते हो ग्रीन कलर में, और यहाँ पर पीछे भी घर है। और यहाँ का व्यू देखो गाइस कितना बेस्ट है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पर पेड़ देखो कितने अच्छे लग रहे हैं, धूप में इतने अच्छे नहीं लगेंगे, शाम को आपको दिखाऊंगा, बहुत अच्छे लग रहे हैं, देख सकते हो भी अच्छे लगते हैं। हाँ धूप में भी अच्छे लगते हैं, अभी अभी हमें रियलिटी में अच्छे लग रहे हैं, आपको वीडियो में तो दिख नहीं रहा होगा अच्छे से। तो अभी हम पूजा में जाएंगे थोड़ी देर बाद, तो गाइस अब आपको मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। गाइस मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ कौन कौन है, ये रे नवीन भैया और ये री परी और ये रे पापा और ये री दीदी, हाय बोलो, हेलो, और ये री ताई, हेलो हेलो, हाय हाय, और यहाँ पर है दीदी और एक और दीदी अंजू दीदी, अंजू दीदी एक फोन टूट गया, अरे री मम्मी,
हेलो गाइस, मैं हूँ अपने गांव में। यहाँ हम हेलो गाइस, मैं अपने कुंगली में गांव में हूँ, क्योंकि हम इधर शूट कर रहे हैं। इधर नेटवर्क आता भी है, खम्मा भी लगाया हुआ है, इसलिए हम आपको दिखाने वाले हैं। ये हम इनके नमस्ते करो दादा, जय जय करो डनी चुआ। अभी मैं खा रहा हूँ काफुल, देखो कितने मस्त मस्त, बहुत मीठे मीठे है। और मैंने खाया मस्त है, और दीदी ने दिए थे। Oh,
सुबह कीर्तन खत्म हो चुका है, अभी थोड़ा सा डांस कर रहे हो, तो अभी शाम भी हो चुकी है बहुत, तो अब हम इंतजार है चाय बनने, देखते हैं होता है नहीं होता। भूख भी लग रही बहुत है मेरे पापा, बापरे यहाँ पर रास्ता इतना अजीब सा है ना, देख सकते हो। तो अभी हम नीचे चलते हैं और आपको मिलेंगे छठे ट्रिक के बाद। सो गाइस आज का बहुत अच्छा दिन था, बहुत सारे देवी देवता आए थे, वो नाच रहे थे और ढोल भी बहुत अच्छा बजा था, फिर बाद में हम नाचने भी लग गए थे तो उसमें और मजा आया था। फिर बाद में हमारे ऊपर पूजा थी मंदिर में, तो हम वहां गए थे और वहां पर भी कीर्तन था तो बहुत अच्छा लग रहा था। लास्ट में माता आ गई थी पर हम नीचे आ गए थे उससे पहले, चिल्लाने की आवाज आ रही थी। और फिर बाद में खाना था उधर तो बहुत टेस्टी था उधर, मैंने रोटी छोले और दाल चावल खाया था तो बहुत मजा आया। सो गाइस अब मैं सोच रहा, अब शाम हो चुकी है तो मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।